जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप 2022 के फेज टू के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फेज़ वन एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों का डाउट निकल के आता है कि फेज़ टू एग्ज़ाम कब से होंगे एंड फेज़ वन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका रिजल्ट कब तक क्लियर कर दिया जाएगा। सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसी दिन आपको फेज टू के लिए एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। उसमें आपको रिपोर्टिंग डेट मेंशन की होती है। तो फ्रेंड, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग डेट होती है उस दिन आपको सुबह 5:30 बजे ASC सेंटर पर पहुंचना होता है, जिसमें आपको 5:30 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है रनिंग। तो इसमें रनिंग के लिए आपको बस में बैठा के रनिंग ट्रैक पर ले जाया जाता है, जिसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है, जो कि 6:30 मिनट में होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों का डाउट होता है कि रनिंग रोड पर होती है या ग्राउंड पर, तो मैं आपको बता दूं कि 90% सेंटर्स पर जो रनिंग होती है वो रोड पर होती है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो रोड की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, 1600 मीटर की 6:30 मिनट में रनिंग होती है, जिसके बाद आपकी होती है 10 पुशअप्स। 10 पुशअप्स लगवाई जाती है। फ्रेंड्स, कई सेंटर पर जो पुशअप्स लगवाई जाती हैं वो होल्ड करके लगवाई जाती हैं। जैसे आपने एक पुशअप्स लगाई, उसके बाद आपको 2 या 3 सेकंड के लिए होल्ड करवाया जाता है, फिर नेक्स्ट पुशअप लगवाई जाती है। तो कई सेंटर पर होल्ड करके लगवाई जाती है और कई सेंटर पर आपको कंटिन्यू 10 पुशअप्स लगवाई जाती है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो होल्ड पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पुशअप्स के बाद होती है वो उसके बाद होता है 20 स्क्वाट्स। अब 20 स्क्वाट्स के बाद आपको 10 सेटअप्स होती हैं। 10 सेटअप्स, इसके बाद आपका जो फिजिकल का रिजल्ट होता है वो बता दिया जाता है। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका होता है Adaptability Test 1। Adaptability Test 1 में होता है आपका DFT टेस्ट। DFT टेस्ट में आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आपको 15 मिनट्स में क्लियर करना होता है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं वे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने फेस वन क्लियर किया तो डेफिनेटली आप DFT टेस्ट क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना कि आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद आपका होता है SRT टेस्ट। SRT टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट्स का समय दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको रीजनिंग प्लस सिचुएशन दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 45 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद SRT एंड DFT के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिजल्ट में जो बच्चे पास होते हैं उन्हें AT टेस्ट 2 के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट, AT टेस्ट 2 में आपका GD होता है। GD में सबसे पहले आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक पेज पर पैराग्राफ लिखा होता है, जिसमें जिसको आपको पढ़ना होता है, उसके बारे में ही ग्रुप डिस्कशन करना होता है। तो इसमें फ्रेंड्स 15-15 के ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिन्हें राउंड टेबल पर बैठा दिया जाता है। इसमें आपको 1x1 अपना इंट्रो देना, प्लस उस टॉपिक के बारे में शॉर्ट समरी बतानी है। इसके बाद 1x1 आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इसमें आपको नोट सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वहाँ पर आपको फिश मार्केट नहीं बनानी। फिश मार्केट से मेरा मतलब है कि ज़्यादा आपको किसी के बीच में इंटरफियर नहीं करना है और ज़्यादा बोलना नहीं है। तो ये जो इंस्ट्रक्टर होता है तो ये खास ध्यान रखता है कि इसी में वो आपको बाहर कर सकता है। और इसके बाद में फेज़ टू के लिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो जो बच्चे पास होते हैं उन्हें पास कर दिया जाता है। तो ये फेज़ टू के बारे में कुछ जानकारी थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।